खबर गोरखपुर से है, जहां देवरिया जनपद के रुद्रपुर थाना क्षेत्र के निमही निवासी प्रियंका यादव की शादी 2013 में गोरखपुर जिले के चौरी चौरा के दीपक यादव पुत्र हरिभजन से हुई थी। पत्नी ने अपने पति समेत ससुरालियों पर दहेज प्रताड़ना का केस दर्ज कराया है। साथ ही साथ पत्नी यह भी आरोप लगा रही है कि चौरी चौरा थाने पर मुकदमा दर्ज होने के बाद अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। वहीं मीडिया से बात करते हुए पीड़िता ने अपने ससुराल वालों पर मारपीट और घर से भगाने के साथ साथ दहेज मांगने का भी आरोप लगाया है। आइए देखते हैं गोरखपुर से संगम सिंह की स्पेशल रिपोर्ट। मैम, क्या आपका है? प्रियंका। मामला क्या आपका? मामला ये था कि शादी हुआ उसके बाद वो दहेज के लिए टॉर्चर करते थे, मारते पीटते थे और मायके से भी मतलब पैसा लूँ मंगवाते थे। और उसके बाद से इसी तरह धीरे धीरे करके निकल गया। फिर उसके बाद से दूसरी शादी कर ली। आपका शादी कहाँ हुआ था, कब हुआ था? केसापट्टी में 2013 में। किससे? दीपक यादव। आपको कैसे पता कि उनकी शादी होगी दोबारा? क्योंकि जिस लड़की से शादी हुई उनके वो लड़की वाले सब FIR दर्ज किए थे, क्योंकि 3 महीना पहले लेकर के उस लड़की को भाग गए थे। तो लेकर के भागने के बाद से लड़की वाले सब FIR दर्ज किए थे, उनके पिता को अरेस्ट किया गया हेतिमपुर के थाने पे। तो उससे हमें पता चला, तो हम इनके घर एक दो बार गए, फिर भी उन्होंने रहने नहीं दिए। मारने पीटने का और हिस्सा अधिकार का कोई भी मतलब देने का लोग नाम नहीं ले रहे थे। सामाजिक समझौता भी हुआ उनके बीच, पर वो लोग बोले यहाँ पे तुम्हारा कुछ भी नहीं है। कितने बच्चे आपके हैं? 2 बच्चे हैं। शादी कितने साल हो गए? 11 साल। आपके थाने पे कहीं दिए कुछ तरी हुई कुछ दरखास्त? थाने पे FIR दर्ज किया गया है, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं है। किस थाने पे? चौरी चौरा। आप चाहते क्या हैं? हमारा हक हिस्सा और हमारा अधिकार।